27 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज शुरू हो रही है और उसका पहला मैच रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये पीछे JSCA का स्टेडियम है और यहाँ पर अभी भारतीय टीम जो है, टीम इंडिया है, वो अभ्यास कर रही है और आप देखेंगे कि पीछे की तरफ आप देखें तो खिलाड़ी वार्म अप कर रहे हैं। जो आजकल एक होता है कि खिलाड़ी आपस में फुटबॉल खेलते हैं दो टीम बनाकर, तो वो कर रहे हैं। और इधर आप देखें तो नेट्स पर गेंदबाजी भी हो रही है, कोच वहां पर हैं, आपको बॉलिंग कोच वो टिप्स देते हैं बॉलर को। अगर आप देखें तो वहां पर आपको वाशिंगटन सुंदर दिखाई देंगे और ये देखिए ये वो ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं वाशिंगटन सुंदर, तो उन्हें अभी आपने गेंदबाजी करते हुए देखा। तो भारतीय टीम जो है कल के मैच के लिए खुद को तैयार कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सवाल भी किया, न्यूज़ बाइस्कोप ने हार्दिक पांड्या से सवाल भी किया था और टीम के बारे में पूछा भी था। हमने पूछा था कि क्या प्लेइंग 11 होगी और क्या पृथ्वी शॉ को मौका मिलेगा, तो हार्दिक ने साफ मना किया और उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए शुभमन गिल खेलेंगे चूंकि वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इससे लगता है कि पृथ्वी शॉ को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो भी मुकाबला होगा वो बहुत रोचक होने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड की टीम भले ही वनडे इंटरनेशनल मैचों की जो सीरीज है वो 3-0 लूज कर गई। अभी आप विक्रम राठौर को देख सकते हैं, वो आ रहे हैं जो बल्लेबाजी कोच हैं टीम के, वहाँ पर वाशिंगटन सुंदर भी हैं, जितेश शर्मा की हम बात कर लें तो खिलाड़ी जो है यहाँ पर आ रहे हैं और सभी, ये देखिए अभी वाशिंगटन सुंदर लगातार नेट्स पर गेंदबाजी कर रहे हैं और मैं पिछले काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि सुंदर जो है आज बॉलिंग की का अभ्यास कर रहे हैं और इससे लगता है कि कल उन्हें अवसर मिलेगा। और चूंकि अक्षर पटेल भी टीम में नहीं है तो एक लेफ्ट हैंडर बैटर के तौर पे, ऑलराउंडर के तौर पे भी सुंदर को मौका मिलता है और हो सकता है कि वो नई गेंद के साथ भी हमें कुछ ओवर्स डालते दिख जाएं। तो सुंदर को लेकर भी जो है टीम इंडिया के अपने प्लान होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी, ये तो अभी आप सुंदर को ही हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर हम मैच की बात करें तो JSCA स्टेडियम में जो भारत का रिकॉर्ड है वो बेहतरीन रहा है और जो यहाँ पर भारत ने अब तक 3 T20 इंटरनेशनल खेले हैं और 3 के 3 ही जीते हैं। पहला मैच श्रीलंका से 2016 फरवरी में हुआ था वो मैच, और उसमें जो है भारतीय टीम जो है वो 69 रनों से जीती थी। अभी आप देखें कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो डिप्स लगा रहे हैं, ठीक रोलर के पीछे हार्दिक पांड्या हैं वो डिप्स लगा रहे हैं और आप देखें ठीक रोलर के पीछे आपको वो दिखेंगे, अब वो खड़े हो गए। तो जो भारतीय टीम है यहाँ पर पूरी तरह से अभ्यासरत है और टीम पूरी कोशिश करेगी कि जो मुकाबला हो उसमें भारतीय टीम कल यहाँ पर एक बढ़त हासिल कर ले सीरीज में, क्योंकि किसी भी सीरीज का जो पहला मैच होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस लिहाज से जो ये रांची में होने वाला पहला T20 इंटरनेशनल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस सीरीज के लिहाज से, क्योंकि अगर आप एक बार बढ़त बना लेते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो होता है वो आप सामने वाली टीम पर डाल देते हैं। और अब आप देखें कि बैटिंग की प्रैक्टिस की भी तैयारी हो रही है वहाँ पर, अब देखना है कि कौन उन्हें गेंदबाजी करते हैं। तो इस बीच अगर हम आपको बताएं तो जो प्लेइंग 11 की बात मैं कर रहा था तो ऐसा लगता है कि मुकेश कुमार को भी जो है वो बाहर बैठना पड़ेगा, इंतज़ार अभी करना पड़ेगा। मुकेश कुमार के लिए भी चांसेस कम हैं कि वो खेलेंगे कल का प्लेइंग 11 में शायद वो ना हो, तो ये एक बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। कुछ नेट बॉलर्स को आप गेंदबाजी करते देख सकते हैं, वहाँ पर हार्दिक जो है वो बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हार्दिक के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि ये T20 इंटरनेशनल है और वहाँ पर जो है यहाँ पर हार्दिक की जो पारी होती है T20 इंटरनेशनल में वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वहाँ पर कोच राहुल द्रविड़ आपको दिख रहे हैं, द्रविड़ वहाँ पर हैं और उनकी मॉनिटरिंग में जो है हार्दिक बैटिंग करें, उनकी पैनी नज़र जो है हार्दिक के बैटिंग पर वो बनी हुई है। तो
कुल मिलाकर जो है भारतीय टीम जो है पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर रही है और निश्चित ही हम कह सकते हैं कि एक रोचक मुकाबला हमें कल देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि रांची के जेएससीए स्टेडियम में जो भारत ने अब तक 3 मैच खेले हैं और तीनों में ही जीत हासिल की है, और जो ये चौथा मुकाबला, पहले मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका को पराजित किया था, फिर ऑस्ट्रेलिया से डीएल मेथड से टीम जीती थी 9 विकेट से, और फिर न्यूजीलैंड की टीम आखिरी बार 2021 नवंबर में रांची में ही आई थी जीएससी स्टेडियम में, और वहां पर भी भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी 7 विकेट से। तो न्यूजीलैंड की टीम के लिए अच्छी यादें जो है वो यहाँ रांची जीएससी स्टेडियम में नहीं है, क्योंकि पिछला मुकाबला जो वो भारत के साथ यहाँ खेली थी वो हार कर गई थी, जबकि भारतीय टीम उस मुकाबले में जीती थी। हम जो रांची के लोग हैं यहाँ पर एक और जीत की उम्मीद कर रहे हैं और कल रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारतीय टीम को जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाए हुए देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो तिरंगा जो है जैसे वहाँ पर आप लहराते हुए देख रहे हैं तो वो तिरंगा कल फिर से लहराए और भारतीय टीम इस सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाए और रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारतीय टीम मैच जीते। कैमरामैन विकास के साथ मैं राकेश, जेएससीए स्टेडियम रांची। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।